मालिक बनाया कि उनके नूर मुबारक के खतरों से नबियों को पैदा किया गया। और जब ये पैदा हुए, पैदा होने से पहले जब अपनी मां के वतन अकदस में थे, तब भी मेरा नबी नबी था। बोलेगा नहीं नहीं, 40 साल में नबी बने, 40 साल में। मैं एक बाजू वाले को पकड़ा, मैं पूछा मियां वो हुजूर जब अपनी वालदा मोहतरमा के बतने मुबारक में थे, तो मैं को ऐसा पढ़ा मैं सीरत की किताब में, हजरते आमिना हुजूर की वालिदा जब हुजूर उनके बतने मुबारक में हैं, बतने मुकद्दस में हैं, फरमाते हैं कि हजरते आमिना जब किसी पत्थर पे पैर रखती थी तो पत्थर रुई की तरह नरम हो जाता था, ताकि मेरे नबी की वालिदा को पत्थर चुभने की तकलीफ ही नहीं होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौजूदा है नहीं है, जोर से बोलो मौजूदा है। नबी अभी अपनी मां के पेट में मौजूदात का सिलसिला शुरू, सुभान अल्लाह, मौजूदात का सिलसिला शुरू। हजरते आमिना फरमाती हैं जैसे और माओ के पेट में बच्चे होते हैं तो उन माओं को तकलीफ से गुजरना पड़ता है, बोझ संभालना पड़ता है, वो बड़े बड़े मरहलों से गुजरती है, उनके उल्टियां होती है, खया होती है, क्या क्या होता है। लेकिन जब मेरा बेटा मेरे बतने मुबारक में आया, पहले तो 2 महीने तक मुझे हामिला होने की खबर भी नहीं हुई, और जब मुझे इत्तला हुई तो मैंने मेरे बेटे की विलादत तक, बल्कि मेरे बेटे की पैदाइश तक मुझे महसूस तक नहीं हुआ कि मेरे पेट में अल्लाह का हबीब है, और मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। बल्कि फरमाती है कि मैं जब पत्थरों पर चलती तो पत्थर रुई की मानिंद नरम हो जाते, और जब मेरा बेटा जलवागर हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरा हुजरा नूर से मुनव्वर हो गया, और जब मैंने आंख खोली तो सिर्फ हुजरे को नूर से मुनव्वर नहीं पाया, बल्कि मैं देखती हूं मुल्के शाम तक नूर चमक रहा है, मुल्के बसरा के बाजारों में फिरने वाले ऊंटों की गर्दनें उस नूर में मुझे नजर आने लगी। अब बताओ ये मौजजा है कि नहीं है, जोर से बोलो भाई। हुजूर पैदा हुए मक्के में, मुल्के शाम है हजारों हजारों किलोमीटर दूर के बाद, हजारों किलोमीटर दूर के बाद मुल्के शाम है, मुल्के बसरा है। नबी की वालिदा हुजरे अकदस में लेटकर मुल्के शाम और बसरा के बाजारों को, उनमें चरने वाले ऊंटों को देख रही है। बताओ कि मौजूदा है कि नहीं है। तो मैं बाजू वाले को पूछा, तू बोला ना रे हुजूर 40 साल में नबी बने, जब नबी थे नहीं तो फिर यह मौजूदा कैसा? ये मौजज़ात का इजहार होना इस बात की दलील है कि आने वाला कोई आम इंसान नहीं आ रहा है, मौजज़े लेकर पैगंबर खुदा जलवागर हो रहा है, अल्लाह का हबीब तशरीफ ला रहा है, नबियों का इमाम रसूलों का सरदार जलवागर हो रहा है। अच्छावा फूल फूल या रसूल या रसूल मरहबा मरहबा। अच्छावा इन आयवल के एक तो नारा लगा ने तो आज की पूरी तकरीर फुलाप गई थी मेरी, इसलिए हैदराबाद में तकरीर नहीं करता हूँ, फंडल होगा हैदराबाद। वो बाजू वालों के बयान आप फेसबुकों पे देख देख के देख देख के देख देख के सुन्निया पूरे सुंद हो गए ठंड। अच्छा ये कौन सी तकरीर सुन रहा, समझ में नहीं आ रहा भाई। बाज़ वक़्त तो हमारे को खाली देखते क्यों नहीं, वो जोश में आ जाता, बाबा उसको संभालना, बड़े भाई प्लीज बैठ बोलना पड़ता, तकरीर करने नहीं देता उन्हें जोश में, ऐसे रहते सुनिया ये क्या नारा लगा तो सुब जा। अरे अरे नारा लगा रहे, नारा ऐसा कर रहे भाई, ये हमारे सुनिया बहुत खतरनाक हो गए हैदराबाद के ठंडे। अरे भाई तुम्हारे आखा का जिक्र हो रहा है मेरे भाई, नारे रिसाल साल साल जश्न आमद रसूल सरकार की आमद आमद हुजूर की आमद आमद नारे गौसिया सिया ख्वाजा दयास्तान उलमाए अहले सुन सुन सुन। मेरे भाई ये उस नबी का जिक्र है जो तुमको जन्नत में ले जाने वाले हैं,
یہ اس نبی کا ذکر ہے خبر میں جانے کے بعد جو تمہاری خبر میں سوال و جواب سے پہلے آنے والے ہیں، یہ اس نبی کا ذکر ہو رہا ہے میرے بھائی جن کے صدقے سے ہماری مغفرت و نجات ہونے والی ہے، یہ اس نبی کا ذکر ہو رہا ہے جن کے صدقے سے ہمارا بیڑا پار ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے نبی کا ذکر ہوا تو مزے لے کے مست عاشق بن کے جھوم جھوم کے سننا، ٹھنڈے بیٹھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا، بری بات ہے، یہ سرکار کے ذکر کی بے ادبی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بڑی عقیدت سے سنیں گے، انشاءاللہ سنیں گے، انشاءاللہ ضرور۔ پیارے بزرگ اور دوستو، تو یہ اس زمانے سے یہ کوشش چل رہی ہے کہ نبی کی عظمت کو گھٹایا جائے، نبی کی شان کو گھٹایا جائے، لیکن انشاءاللہ آپ عاشقان رسول، آپ غلامان غوث اعظم اس بات کی قسم کھا لیں کہ آپ اپنے نبی کی عظمت کو کم ہونے نہیں دیں گے، آپ اپنی نبی کی عظمت کا چرچا کرتے رہیں گے، نبی کی شان و شوکت رفعت کا چرچا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا بیٹا چوہا آیا؟ اچھا حضرت آ رہے ہیں، کرسیاں ہٹا رہے تھے، میرا کچھ تو بھی گھس گیا کہاں نیچے، ایسا لا لو، نہیں نہیں حضرت کو لا لو بیٹے، لا لو، ایک بار درود پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اشرفی دلہا، اشرفی دلہا،